अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम में हुए हैं बड़े बदलाव। किसे मिला है टीम में मौका और कौन हुआ है प्लेइंग 11 से बाहर, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व कप 2021 के अपने लगातार दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। रविवार 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 8-0 हार मिली। फिर एक बार भारतीय टीम हार डिपार्टमेंट में फेल साबित हुई। इससे पहले पाकिस्तान से भी 10 विकेट से टीम इंडिया को हार मिली थी। इन दो लगातार हार के बाद भारत भी टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी है। वैसे पूरी तरह से अब भी भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। रविवार को भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रही और महज 110 रन के स्कोर तक ही पहुंच पाई। अब टीम इंडिया को अपना अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 3 नवंबर को खेलना है और अब टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इसके लिए भारत अपने प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरने वाली है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग का जिम्मा लेंगे, जबकि कप्तान विराट कोहली नंबर 3 पर खेलेंगे। वहीं नंबर 4 पर केएल राहुल, जबकि नंबर 5 पर ऋषभ पंत खेलेंगे। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, वहीं 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखेंगे। वहीं 9वें नंबर पर अश्विन को मौका मिलेगा, जबकि नंबर 10 पर शमी, जबकि 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।